संपूर्ण सफलता किसी भी स्थान पर सेवाओं की वृद्धि निमित्तात्माओं की स्थिति के आधार पर ही होती है। जैसे वाइब्रेशन सुन के वैसे ही वाइब्रेशन सबके। माताओं का संकल्प रहता है क्या, बोलो माताएं, हमारे परिवार के सभी लोग क्या, बोलो ना, नहीं है शायद इच्छा आपकी, बच्चे शादी कर लें ये इच्छा होगी, होती है माताओं की, बाद में ज्ञान में चल लेना, पहले शादी तो कर लो। हाँ, ये दो चार बच्चे हो के हमारा कुल कैसे चलेगा आगे। संतुष्ट और खुश जितने हम रहते हैं, सेवाएं स्वतः ही होती रहती हैं। ज्ञान सुनाने का भी प्रभाव हमारी स्थिति के आधार से ही होता है। कई लोग बहुत ज्ञान सुनाते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा सुनाते हैं, कोई आ गया तो मुश्किल से ही पीछा छूटेगा उसका, कोई इतना भी सुना देते हैं। अच्छी चीज ज़्यादा नहीं होती, हीरे बोरी भर के मिलेंगे, अच्छी चीज थोड़ी होती है। ज्ञान की वैल्यू अगर हमें स्वयं को होगी तो उसको उसी आत्मा को उतना ही देंगे जितनी उसको जरूरत है, अपने ज्ञान के रतन ऐसे ही बिखेर नहीं देंगे। तो हम सेवाओं की वृद्धि के लिए भी, परिवारों में सुख शांति के लिए भी इन दो धारणाओं पर बहुत ध्यान दें। कौन सी हैं दो धारणा, बोलो, अब तो बोलो, संतुष्टता और प्रसन्नता। बाबा ने भी हमें टाइटल दिया है संडे को, तीन दिन पहले, तुम हो खुशी के देवता, देवी नहीं कहा इस बार, देवी भी हैं खुशी की, बहनें भी तो खुश रहती हैं। बाबा के सामने जो बैठे होंगे उनके लिए कह दिया, खुशी हमारे जीवन का बहुत बड़ा खजाना है, इस पर बाद में आते हैं। संतुष्टि, संतुष्टता से भी मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कहाँ कहाँ हमें संतुष्ट रहना है, पहले अपनी प्राप्तियों में। अगर हमें बहुत अच्छी प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, बाबा से सुख नहीं मिल रहा है, तो संतुष्टि होती नहीं, आगे बढ़ेंगे। दूसरी संतुष्टि हमें रखनी है सेवाओं में। तीसरी संतुष्टि रखनी है आपको अपने लौकिक परिवारों में। इन तीन ही बातों को ले लेते हैं आज। हमें संतुष्ट आत्मा रहना है, संसार में लोग असंतुष्ट हैं, अधिकतर लोग, थोड़े लोग मिलेंगे जो संतुष्ट हों। मेरे पास माताएं आती रहती हैं, जब कोई माता ये बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, कितना अच्छा लगता है। और ज़्यादातर बोलते हैं, पहली लाइन यही होती है, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत ये बोलते हैं पहला ही लाइन बैठते ही। पर कुछ माताएं ऐसी होती हैं, मेरा पुरसाद बहुत अच्छा है, अभी मैं जहाँ गया था पुणे की साइड में, तो तीन चार माताएं ऐसी आई जिन्होंने ये कहा, जब मैंने पूछा कैसा पुरसाद, बहुत अच्छा है। तो हमें परिवारों में भी संतुष्ट
संतुष्ट रहना है, सेवाओं में भी संतुष्ट रहना है, अपने पुरुषार्थ में भी संतुष्ट रहना है। दुनिया में असंतोष है क्यों? विचार करो गहराई से। प्राप्ति है फिर भी। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था परसों, बहुत सारे लोग पीएचडी किए हुए थे, 100 लोग थे पीएचडी किए हुए। प्रश्न उत्तर होने लगा, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा मुझे सैलरी बहुत अच्छी, मेरा परिवार बहुत अच्छा, मेरी जॉब नौकरी बहुत सुंदर, मैं खुश रहता हूँ, फिर भी असंतुष्ट हूँ, क्या कारण है? पढ़े लिखे थे बहुत, पढ़े लिखे लोग। मैंने यही कहा, तुम्हारी संतुष्टि तभी होगी जब अपने परम पिता से जुड़ोगे। सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन वो तो नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए। जिसको मिलने के बाद आत्मा तृप्त हो जाए वो नहीं मिला है। ऐसे बहुत लोग आते हैं। एक बार एक माताओं का ग्रुप था, साहूकार माताओं का, बॉम्बे से मेरे से प्रश्न किया, हमारे पास सब कुछ है, अथाह धन संपदा, बड़े बड़े घर, भरा हुआ सब माल पानी, फिर भी हमें अंदर से लगता है तुम्हें कुछ चाहिए। हमें पता नहीं चलता हमें क्या चाहिए। हम बाजार जाते हैं, क्या लाएं, अब सब कुछ तो है, घर को स्टोर थोड़ा ही बना देंगे। ऐसी माताएं थी जिनको एक दिन को खर्च करने के लिए 50,000 मिलता है, 50,000 एक दिन। कब क्या करें उसको, हम बहुत है हमारे पास, लेकिन हमें लगता है हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए उन्हें नहीं पता था। मुझे कहा वो आप बता दो हमें, हमें क्या चाहिए। कहा चाहना तुम्हारी और पता मुझे। यही बात है, आत्मा ने जो कुछ खोया है जब तक उसे वो नहीं मिल जाता, आत्मा जब तक अपने स्वरूप में नहीं आ जाती तब तक संतुष्टि आती नहीं। गीता में भी है, वो योगी जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि वही बन सकते हैं जो स्वयं में संतुष्ट हैं। आत्मा सुख स्वरूप है, सुख मिल गया हो पूरा। शांत स्वरूप है, शांति से भर गए हो। पवित्र है, पवित्रता पूरी आ गई हो। प्रेम स्वरूप है, ये घृणा ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा खत्म होके प्यार ही प्यार रह गया हो, तब आत्मा तृप्त होती है। इसके अलावा कुछ भी मिल जाए तृप्ति नहीं होती। तो अब चलो आप सब प्रैक्टिकल विचार करेंगे। सब ग्रस्त वाले बहुत बैठे हैं। परिवारों में हम एक दूसरे से संतुष्ट कैसे रहें? होती नहीं है संतुष्टि। बच्चे गलत जा रहे हैं, माँ बाप उन्हें रोकेंगे, असंतुष्ट होंगे। हमारे माँ बाप बंधन डालते हैं, उन्हें पता नहीं ये बंधन कल्याणकारी है। तुम जिस राह पे जा रहे हो धोखा खाओगे, वापिस आना पड़ेगा सब कुछ गंवा के। असंतुष्टि होती है, असंतुष्टि होती है एक दूसरे के व्यवहार से। कोई क्रोध करता हो संतुष्टि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कोई गलत शब्द बोलता हो बार बार, असंतुष्टि होगी परिवारों में। और बोलो परिवार वाले कब असंतुष्ट होते हैं सब? बोलो, अपने परिवार को देखो और बोलो, कहना नहीं मानता। आजकल दूसरी चीजें चल रही, कई लोगों के साथ काम नहीं करते, कई लोगों के साथ ये हो रहा है, उसको पत्नी भी है, दो बच्चे भी हैं, वो काम नहीं करते। एक ने तो बड़ी हंसी की बात कही, बाप बात कर रहा था उसका,
कि मेरा ये लड़का, इसको दो बच्चे, इसको पत्नी, कुछ काम नहीं करता, हमको बिजनेस है, हम कहते हैं चलो दुकान पर बैठे ही रहो, सिक्योरिटी तो रहेगी, नहीं बैठता, शराब पी सो गया, जब कुछ कहते हैं तो कहता है तुमने क्यों पैदा किया था मुझे, अब मुझे खिलाओ पिलाओ, जो मेरी इच्छा सब पूरी करो। अब वो ये नहीं सोचता मेरे दो बच्चे मुझे ऐसे ही कहने लगे तो मैं कहाँ से खिलाओ पिलाऊँगा, कुछ तो करूँ। देखिए कलयुग के अंत में बहुत ही कईयों की तो बड़ी दयनीय स्थिति आ गई है, बड़ी दयनीय स्थिति, बीमारियों से असंतुष्टि हो रही है, परिवारों में भी अनेक चीजें दिखाई देती हैं, पर विशेष रूप से व्यवहार, क्रोध, अभिमान, स्वार्थ, इनसे असंतुष्टि बहुत हो रही है। परिवार वाले उन्हें कैसा देखना चाहते हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं, बोलो, आपको परिवार वाले कैसा देखना चाहते हैं, बोलो, आगे वाले उत्तर दो, बहुत खुश, बहुत संतुष्ट, ये दो ही बात। अगर आप पूरे बार बार कहते हो भगवान आया है तुम भी चलो, और आप खाने पीने पे झगड़ा कर लेते हैं, कहेंगे भगवान आया होता तो ये शांत हो गए होते, जो मिला संतुष्ट। कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा, शादी विवाह हो रहे हैं, आप उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए ये चाहिए, लोग कहेंगे ये कहाँ इन्हें भगवान मिला है, ऐसे ही किसी को कह दिया होगा इन्होंने भगवान, अपने गुरु को कह दिया होगा, भगवान मिलता तो ये मस्त रहते, इन्हें दुनिया की चिंता न रहती, ये दुनिया के वे भाग दौड़ के पीछे न चलते। माताएं पसंद हैं ये बात, पसंद हैं, सोच लो अच्छी तरह। प्रभु मिलन के बाद अगर भटक रहे हैं अनेक चीजों में, मन भटकना अलग चीज, स्थूल में भटक रहे हैं, तो कैसे लोग मानेंगे कि प्रभु मिलन हुआ है। परिवारों में बहुत ध्यान देना है, छोटी बातों में हम अपनी खुशी को खो देंगे, छोटी बातों में गर्म हो जाएंगे, छोटी बातों में बोलने लगेंगे बहुत ज़्यादा, तो कोई हमारे प्रभु मिलन को, हमारी प्राप्तियों को, कि हमें बहुत शांति मिल गई जीवन में, स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं, ज्ञान में आए, बाबा से मिलन हुआ, शराब छोड़ दी, बहुत लंबी और बुरी आदत थी, लंबी और बुरी, छोड़ दी, और कोई व्यसन था बहुत खतरनाक, छोड़ दिया, पर व्यवहार को सुंदर नहीं बनाया, तो उनके त्याग का भी लंबा प्रभाव दूसरों पर पड़ता नहीं। पहले लोग महिमा करेंगे कितना अच्छा हो गया इनका, लेकिन लंबा समय उसका प्रभाव रहे कि इन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, ये नहीं रहता है। एक त्याग करने के बाद दूसरी इच्छाओं के पीछे चलने लगते हैं, तृप्त आत्मा बनना है, अंदर से आवाज निकले सब कुछ, बोलो सब कुछ, ये अंदर की आवाज हो। संतुष्ट आत्मा, चेहरे पर संतुष्टता, बहुत ही सुंदर लक्षण है ये किसी के भी। चेहरा संतुष्टता से भरपूर हो जाए, जैसे न कुछ देखने की इच्छा है, न कुछ और पाने की इच्छा है, न कहीं घूमने की इच्छा है, सब कुछ हो गया, जिसे देखना था उसे, जिसे देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा नहीं रह जाती, उसे देख लिया, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जिससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, उसे देख लिया। पर अगर उसकी सुंदरता को जीवन में अनुभव नहीं किया तो सुंदर चीजों को देखने की इच्छा अवश्य होगी।
बात देह की सुंदरता की नहीं, और भी दुनिया में बहुत सुंदर चीजें घूमें फिरें, यहाँ देखें तो सही जाके क्या है। अमेरिका लोग बड़ी महिमा करते हैं, देख के तो आऊं वहाँ के बगीचे कैसे हैं। बगीचे तो अच्छे मिलेंगे पर लोग कैसे मिलेंगे? लोग फिर भी भारत में ही अच्छे मिलेंगे और सबसे अच्छे बाबा के बच्चे हैं। ठीक बात है या नहीं? तृप्त करें अपने को, चेक कर लें। क्लास न हो केवल आज, सभी भाई बहने जो यहां बैठे हैं अपने पर एक दृष्टि डालें। हम अभी भी भटक रहे हैं या संतुष्ट होकर शांत हो गए हैं? बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाती है जब हम संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं, जब हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए। संसार में कंपटीशन है, लोग आपको ये भी कहेंगे। कई भाई आते हैं मेरे पास, हम दो फ्रेंड थे, मैं ज्ञान में आ गया, उसने अपना बिजनेस बढ़ाया, वो बहुत करोड़पति है, मैं पीछे रह गया, क्या करूं, मैं भी बढ़ाऊं? विचार करो इस बात पे, इसका एनालिसिस करो। सच्ची बात है, सच्ची घटना। हम दो फ्रेंड, दोनों का एक सा बिजनेस, उसने बिजनेस पे बहुत ध्यान दिया, बहुत आगे निकल गया है, उसका नाम है बहुत शहर में, और मैं पीछे रह गया। मैंने उसको याद दिलाया, आया आपको याद? क्या याद दिलाना चाहिए उसे? मैंने कहा तुम्हें वो मिला है जिसकी कीमत सारे संसार की धन संपदा से भी ज्यादा है, पता है वो कौन है? कहने लगा है तो सही कोई, कौन है वो? बोलो जो हमें मिला है उसकी कीमत निकालेंगे, कितनी कीमत होगी उसकी? वो तो बिजनेस में आगे बढ़ गया, ठीक है, उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति हो गई, लेकिन तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? किसी ने अभी मनुष्य के शरीर की कीमत निकाली, वैसे तो निकल नहीं सकती, $8 अरब। लोग निकालते रहते हैं, ये करते रहते हैं कि तुम गरीब कैसे हो, तुम्हारे शरीर की कीमत ही $8 अरब है। सोचने का तरीका है ना, केवल बाबा की कीमत। दूसरों को देखते हैं कंपटीशन में तो अपने को लगता है कुछ नहीं मिला, क्यों ना वो हमसे कंपटीशन करें, हमारे जीवन से वो कंपटीशन करें, हमारी खुशी से, हमारी शांति से, हमारी श्रेष्ठ स्थिति से वो कंपटीशन करें, तो उन्हें लगेगा उनके पास कुछ नहीं है। लगेगा या नहीं? कोई भी इस तरह का कंपटीशन, कंपैरिजन नहीं करे, तुलना नहीं करे, ये तुलना गलत है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी आज, पढ़ी मैंने, लोग बड़ों से तुलना करते हैं, निराश होते हैं, छोटों से करो ना, बहुत खुशी रहेगी। जिनके पास कुछ नहीं उनसे तुलना करो ना, हम कितने सुखी हैं। जो साइकिल पे चल रहे हैं या एक्टिवा पे चलने वाला, उनसे तुलना करे ना, वो करता है सुंदर कार वालों से, इनके पास सुंदर कार है, मेरे पास एक्टिवा है, हवा लगती है। ये नहीं कहता कि ठंडी हवा अच्छी लगती है, खुशबूदार हवा आती है। साइकिल वाले से पहले, और साइकिल वाला खुश है अपनी साइकिल में, क्योंकि पैरों की एक्सरसाइज होती है, उसे घुटने दर्द होता ही नहीं। कार वालों को घुटने दर्द होता है, साइकिल वाला इसलिए खुश है। हम तुलना बहुत करते हैं, अपने में तृप्त होना सीखना पड़ेगा। तृप्त हैं माताएं हैं, तभी तो सेवा में आ गई, नहीं तो माताओं को घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। 15 दिन भी घर से निकले तो रोज 15 फोन करती हैं, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसने काम किया या नहीं किया। लेकिन जो घर से सेवा में आकर निश्चिंत रहें, ठीक है, फोन करना मना नहीं है,
कर लिया फोन बीच बीच में एक बार, संतुष्ट आत्मा, सेवाओं में संतुष्टि। सेवाओं में भी कई लोग संतुष्ट नहीं होते। आप तो यज्ञ सेवा में हैं, यहाँ तो संतुष्टता संतुष्टता की ज्यादा बात नहीं होती, केवल रहने पे हो सकता है, झगड़ा थोड़ा बहुत नहाने पे माताओं का, कि कोई माता घंटा लगाती है नहाने में, बाथरूम धोई है, दूसरों को तकलीफ तो होगी ना, तो दरवाजा खटखटाते रहते हैं जोर जोर से, और वो मस्ती से अपना कपड़े धोती रहती अंदर कि मैं तो कपड़े धोकर ही बाहर आऊंगी, तुम जो चाहे कर लो, चाहे बाहर से कुंडा ही लगा देना। लेकिन सेवाओं के फील्ड में कौन सी चीज मनुष्य को असंतुष्ट करती है? सेवाओं के फील्ड में मेला लगा है, सेवा हो रही है, कई हजार लोग रोज आ रहे हैं, बोलो, कोई बहुत खुश हैं, आओ 10,000 लोग आए आज बाबा का ज्ञान सुनने, संदेश लेने, सफल हो गया हमारा तो मेला। और कोई कोई बोलो, फिर वही तुलना करेंगे कि देखा उसको स्टेज पे बैठा दिया, मुझे इधर टेंट में ही बैठाया हुआ है। अब वो इस तुलना से परेशान है, टेंट का सुख भी नहीं ले रहे हैं, बार बार उधर देख रहे हैं। कंपैरिजन ही असंतोष का कारण है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मैं एक सेंटर में गया, नाम भी बता देता हूँ, जबलपुर, बहुत सुंदर सेवा है उस बहन की। बड़े बड़े लोग किचन में थे, मेरे को जो भाई मेरी सेवा के लिए दिया गया वो कैंसर स्पेशलिस्ट, मैंने उन्हें कहा अरे रहने दो तुम, मैं तुम्हें कैसे कहूँगा कि मुझे चाय ला दो, मुझे लग जाएगी, मैं आप ही ले आऊँगा, तुम काम करो। अच्छा उसने क्या कहा, भाई जी आप चिंता ना करो। मैंने कहा मुझे तो थोड़ी कमर भी दबवानी पड़ती है, मैं दबाऊँगा ना, मैं कहा मुझे लग जाएगी, इतना बड़ा डॉक्टर कुमार है वो। कहा मैं तो झाड़ू लगाता हूँ, यहाँ पोछा लगाता हूँ, अभी किचन में काम करके आया हूँ, सबका भोजन बन रहा था ना, काफ़ी बड़ी भट्टी थी, कम से कम 1200-1300-1400 लोगों का भोजन बन रहा था, सब बड़े बड़े लोग भोजन बना रहे हैं, ऐसा मैं कई जगह देख चुका हूँ। तो बिल्कुल संकल्प नहीं, कोई अभिमान नहीं, तो सेवा करके बहुत खुश। क्लास भी मिस हो रही है, फिर मैंने कहा इनकी क्लास हो रही है, मैं इनकी अलग क्लास कराऊंगा। वो इतने खुश थे कि जो भट्टी करने वाले उनकी खुशी छोटी पड़ गई उनके आगे। हम 15 ही मिनट मिले, उन्हें टोली खिलाई, फोटो खींचे, बस तृप्त हो गए। अपनी संतुष्टि अपने हाथ में, ये पक्का करना है। एक व्यक्ति 10,000 कमाता है, मजे से रहता है, चार का परिवार है, सब आनंद पूर्वक रहते हैं। एक व्यक्ति 2,00,000 कमाता है, फिर भी परेशान रहता है सोच सोच कर। क्या सोचता है वो? नहीं ये नहीं ये नहीं। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, मैं जो बात सुनाता हूँ वो कहानी नहीं, वो सच्ची घटनाएं हैं। वो इसलिए असंतुष्ट हैं, कल मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा। वो अपनी उस 2,00,000 का और अपने अच्छे पद का, अपने कार्य का आनंद कम लेते हैं, भविष्य की चिंता ज्यादा करते हैं, कल छूट गई तो क्या होगा। मैंने उसे कहा 2,00,000 मिलते हैं, हर माह से 1,00,000 बचाने लगो, 1 करोड़ तो 8-10 साल में तुम्हारे पास जमा हो जाएंगे, मजे से रहना, तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, और किसने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी नौकरी छूट रही है। कहा नहीं बताया तो किसी ने नहीं, डर रहता है मुझे। ये संकल्प, मैंने उसको एक बात सिखाई, सबको सीखने की है, हमेशा ये सोच के चलो एक चीज छूटेगी दूसरी उससे अच्छी मिलेगी, आएगी नहीं उससे अच्छी, तब उसमें थोड़ी जान आई। एक ही बात से वो भयभीत
परेशान, उसकी युगल भी उसे कह रही कि क्या सोचते रहते हैं ये बिना मतलब, हम तो बहुत सुखी हैं, मजे में हैं, पर उसको एक डर। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी चीज को हम पकड़ के रखें ही नहीं, छूटी छूटने दो, एक चीज छूटेगी उसे सुंदर आने वाली है, एक अवसर जाएगा उसे सुंदर दूसरा मिलने वाला है। मान लो आपको स्कूलों में छोटे छोटे प्रोग्राम करने को मिला है, बहनों ने ये काम दे दिया, टच दी लाइट चलाना स्कूलों में बच्चों को सिखाने का, आपको वो काम मिल रहा है। अब देखो मनुष्य को अच्छे कर्म भी बांधते हैं। अब आप रो हफ्ते में एक बार बहुत अच्छी क्लास बच्चों की लेकर आते हो, अच्छी बात है, बच्चों में परिवर्तन आ रहा, आपको बहुत खुशी है, लेकिन कल आपको कहा जाता है आप ये सेवा छोड़ दो, ये दूसरों को देना है, ये बहुत कह रहे हैं, इनको दे देते हैं, तो क्या होगा? असंतोष। छोड़ तो देंगे पर खुशी भी छोड़ देंगे, कोई तो ऐसा कहेंगे अब हम सेंटर में आएंगे ही नहीं, हमें सेवा छुड़ा दी। अगर वो ये सोचने लगे ये सेवा हम छोड़ नहीं रहे, दूसरे अपने भाई बहन को दे रहे हैं, हमें इससे अच्छी मिलने वाली है, तो उनको पता चलेगा, उनको अनुभव हो जाएगा उससे अच्छी मिल गई। मनुष्य अगर किस चीज को पकड़ लेता है तो वो आगे कभी नहीं बढ़ता है, इसलिए जहां कुछ छोड़ना है फटाफट छोड़ो, उससे अच्छी चीज आपका इंतजार कर रही है। आप यदि वहीं बैठे हैं तो वो तो इंतजार ही करती रहेगी, किसी और को मिलेगी। ऐसी अपनी विचारधारा को बनाना है, तो चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक सेवाएं हो, हमें बहुत ऊंचे विचार रखते हुए अपने को संतुष्ट आत्मा बनाना है। और बहुत अच्छी चीज ये है, जो अवसर हमें सेवाओं में मिला हुआ है उसमें हम आनंदित रहें, जब वो नहीं मिले तो भी आनंदित, क्योंकि हमारा पुण्य जमा हो गया बहुत ज्यादा। स्वयं में संतुष्टि ये हमें तब आती है जब हमारा पुरुषार्थ अच्छा होता है। हम सवेरे ही नहीं उठेंगे, होगी संतुष्टि? कुछ भी करते रहे ना सारा दिन, हमें मान मिलता रहे, हमारे गले में मालाएं डालती रहें, लेकिन हम सवेरे नहीं उठे, खालीपन रह जाएगा। हमने मुरली नहीं सुनी, खालीपन रह जाएगा। इसलिए जो बाबा ने हमें सुंदर बातें सिखाई हैं उनको यदि हम पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आत्मसंतोष रहता है। खुशी बहुत बड़ी चीज है, अलग ही एक टॉपिक है। हम खुशी के देवी और देवता हैं। भगवान के बच्चों का चेहरा यदि खुशनुमा नहीं होगा तो रावण के बच्चों का थोड़ा ही होगा, होगा क्या? आज किसने मेरे से 3 क्वेश्चन बहुत गहरे पूछे, मुझे बाद में याद आए, पहले याद आता तो मैं उनका विस्तार करता। कहा परम धाम में आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाती हैं, कौन बैठाता है उनको वहां? ऐसे ही 3 प्रश्न थे। तो हमें बहुत खुश रहना है। हमारी खुशी का पहला आधार, सबसे ज्यादा खुशी मनुष्य को प्राप्तियों के बाद होती है। हमें भी जो प्राप्तियां हुई हैं उनका हमें पता होना चाहिए। बहुतों को, हम सबको, बहुतों को नहीं, हम सबको बहुत बहुत प्राप्तियां हो चुकी हैं, लेकिन कईयों को उनकी याद ही नहीं रहती और छोटी छोटी बातों का प्रभाव मन पे छाया रहता है। बड़ी बातें भूली हुई हैं, छोटी छोटी बातों का प्रभाव छा गया है, इसीलिए छा गया है कि बड़ी प्राप्तियां भूली हुई हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति हमें क्या हुई? प्रभु मिलन। और उससे आगे सोचो, बाबा हमारे पास हमें मिलने तो आ ही गया लेकिन वो हमारा हो गया। और आगे सोचो,
उसने हमें कह दिया तो मुझे अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। खुद कह रहा कैसे बांधो, मेरे से तुम क्या क्या ले सकते हो और क्या कैसे कैसे ले सकते हो ये सब बता दिया। बाबा का सुंदर महावाक्य मुझे तो बहुत प्रिय लगता है, आता रहता है, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो, है ना सुंदर बात। हम तो मांगते थे हाथ जोड़ के भिखारियों की तरह, हे प्रभु ये दे दो वो दे दो, अब क्या कह रहा है वो, जो चाहे ले लो, अधिकार, मांगने की भी जरूरत नहीं, जो चाहे ले लो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। सोचा करें आप सभी कितने समीप आ गए बाबा हमारे और हम बाबा के, कितने समीप हैं हम, जो उसे कहते हैं वो मेरा है। सोचना इस पर तो बहुत आनंद हो जाएगा जीवन में। शाम का टाइम भी, मधुबन में आप सब रहते हैं, बहुत सुंदर समय है यहाँ शाम का। मैं तो यहाँ रहा ही हूँ बहुत साल, लेकिन अब जो बाहर से आते हैं वो बताते हैं कि मधुबन में सवेरे और शाम को कितने सुंदर वाइब्रेशंस होते हैं। कोई शांति स्तंभ पे बैठे हैं, कोई बाहर घूम के अभ्यास कर रहे हैं, कोई बाबा कमरे में है, कोई झोपड़ी की तरफ, कितना अच्छा लगता है, कोई हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, तपस्या के धाम है ना ये सब, हमारे चारों धाम तपस्या धाम है। तो याद रखेंगे वहाँ बैठने के साथ साथ, वहाँ योग करने के साथ साथ, स्वयं को उमंग उत्साह दिलाने वाले, खुशी प्रदान करने वाले, नशा देने वाले, स्वमान याद दिलाने वाले सुंदर संकल्प भी मन में रखने हैं। जितने श्रेष्ठ संकल्प मन में होंगे उतना ही ज्यादा आनंद रहेगा। खुशी आनंद की भेंट में बहुत छोटी छोटी चीज है, आनंद वो एक अलग ही चीज है। आत्मा जब आत्मिक स्वरूप में हो जाती है, जब हम बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाते हैं, तो जो सुख मिलता है उसको आनंद कहते हैं। तो हम बहुत खुश भी रहेंगे, बहुत खुश। ध्यान ये रखना है, कोई छोटी बात हमारी बड़ी खुशी को नष्ट न कर दे। बात छोटी, खुशी बहुत बड़ी चीज, खजाना। और इसलिए बड़ी चीज क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। हमारी खुशी का प्रवाह कहाँ जाएगा, पूरे कल्प वृक्ष में। इसलिए हमारी खुशी बड़ी है, इसलिए हमारी स्थिति का बड़ा महत्व है। दुनिया में भी लोग खुश रहते हैं, बहुत कई लोग रहते हैं बहुत खुश, कई लोग तृप्त भी रहते हैं। जो आत्माएं अभी अभी परम धाम से आई हैं, जिनका एक दो जन्म हुआ है, वो परेशान नहीं रहते, वो सुखी रहते हैं। ठीक है, जितना पैसा है उसमें सुखी, जो कुछ परिवार जैसा है उसमें संतुष्ट, दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन उनकी खुशी और हमारी खुशी, अंतर हो गया ना, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। उनकी खुशी केवल अपने तक सीमित, और हमारी खुशी पूरे संसार पर अपना असर डालती है। इसलिए छोटी बातों को महत्व न देकर, किसी के शब्दों को महत्व न देकर, किसी बात को महत्व न देकर सदा प्रसन्न रहना है। और प्रसन्न चेहरा वो दूसरा भी होता है एक, जब हम बहुत अच्छा योग युक्त रहते हैं, जब हम बहुत नशे में रहते हैं, चाहे हंस न रहे हो, हमारा चेहरा चमकता हुआ हमारी मुस्कुराहट को दिखाता, आंतरिक मुस्कुराहट को, और उसका असर संसार में दूर दूर तक जाता है। सभी ग्रस्त में रहने वाले भाई बहने अपने अपने घरों में
खुशी की लहर फैलाया करें। पसंद है क्या? याद रखेंगे, किसी भी बात को पकड़ कर नहीं रखेंगे। एक बात हो गई, उसे बार बार नहीं रिपीट करेंगे, नहीं तो खुशी खत्म होती जाएगी। कुछ भी हो जाए छोड़ो, छोड़ो, तुरंत हंसा दो। माताओं का ये काम है, कोई बात हो जाए हल्का करके, खत्म करके हंसी का, खुशी का माहौल बना दो। जिस घर में खुशी का माहौल रहता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, आपको धन की कमी नहीं पड़ेगी। और लड़ाई झगड़ा हो गया तो लक्ष्मी देखेगी, ये तो लड़ रहे हैं कि मेरे से भी ना लड़ने लगे, इसलिए विदाई लेती हूँ, बाहर चली जाएगी। पसंद है? तो छोटी बातों को फटाफट खत्म करके अपने अपने परिवारों में, बच्चों ने कुछ कर दिया, पढ़ाई अच्छी नहीं की, कोई गड़बड़ हो गई, किसी को तकलीफ हो गई, कोई बीमार हो गया, खुशी का माहौल बनाओ तो बीमारियां भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। माताओं का काम है, भाइयों का काम है बने हुए खुशी के माहौल को माताओं ने फट से बोल दिया, बिगाड़े नहीं अपने क्रोध से, अपने बुरे शब्दों से। तो दोनों मिलकर अपने अपने घरों में खुशी की लहर फैलाएंगे। आपको खुश देखकर पड़ोसी भी खुश हो जाएं, आपकी खुशी की तरंगें आपके संबंधियों तक भी पहुंच जाएं। ओम शांति।